सर अधिकार है ना सर, वही तो मैं आपको बता रहा हूँ। अगर प्राइमर फेसी नहीं है तो केस खारिज करिए सर विद कास्ट, एक सेकंड में बता रहा हूँ सर, एक सेकंड में डायरेक्ट बताइए सर। आप चिल्लाइए नहीं सर, आप चिल्लाइए नहीं, आप डायरेक्ट, आई एम द रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर, आप चिल्लाइए नहीं। हाँ ठीक है, लिस्ट दिस केस बिफोर सम अदर बेंच। ये स्थिति है, ये दादागिरी है सर, ये दादागिरी है, आप ही नहीं है सर। नहीं नहीं, हमें नहीं चाहिए कोई सर्टिफिकेट आपसे, आई डोंट नीड। नहीं मैं कोई, मैं कोई बेईमानी नहीं कर रहा हूँ ना, मैं कभी इस तरह की फर्जी बात कर रहा हूँ। आप डायरेक्ट बताइए सर। कोऑपरेटिव सोसाइटी इज वाइड एन एक्सर P1 दैट द पर्संस हु आर वर्किंग अगेंस्ट द सैंक्शन पोस्ट दे हैव टू बी रिकॉग्नाइज्ड इन व्यू ऑफ द डिसीजन ऑफ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट उमा देवी केस माय लॉर्ड दैट पॉलिसी वाज फॉरवर्डेड टू ऑल द डिस्ट्रिक्ट डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर्स टू टेक एक्शन फॉर देयर रेगुलाइजेशन एंड अपॉइंटमेंट माय लॉर्ड दैट पॉलिसी वाज हिज ऑर्डर विल बी फाइनल माय लॉर्ड P1 में कल नहीं नहीं सर, इसमें देखें सर, आपने ही ऑर्डर किया है सर, आपने ही ऑर्डर किया है। आई हैव नेवर बीन सो कास्ट, आई हैव नेवर बीन प्रोवाइडेड एन अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग। और कमिश्नर जी सर, सर मुख्य वन संरक्षक 9/8/2016। आप ही लोग तो केस लेकर आते हैं, पदेन प्रबंध संचालक। जी सर। पदेन मतलब क्या हुआ, इंचार्ज। जी सर। तो इंचार्ज को अधिकार नहीं है, नोटिस सुनिए। नहीं नहीं सर, अधिकार है ना सर, वही तो मैं आपको बता रहा हूँ। अगर प्राइमर फेसी नहीं है तो केस खारिज करिए सर विथ कास्ट। अगर प्राइमर फेसी नहीं है तो मैं केस में कैंडली भी डिस्मिस्ड मतलब आई हैव नो। बताइए जी सर। सर अधिकार है, बताइए जी, वही तो कह रहा हूँ ना सर। ये दिस वाज द गवर्नमेंट पॉलिसी, दिस इज स्टार्ट फ्रॉम पेज नंबर 17-21 माय लॉर्ड। आपको रिलेवेंट बताइए। हाँ सर, हाँ इसी में रिलेवेंट में ही बता रहा हूँ सर। कमेटी हो गई, हाँ आपका नियमितीकरण का आदेश जारी करने का अधिकार किसको दिया है, उसको DFO को है। DFO को, वही बता रहा हूँ सर मैं। बता जी सर, अब ये जो स्क्रीनिंग कमेटी की कार्यवाही है P2 है, वो देखना सर एक सेकंड के लिए। प्लीज डोंट वेस्ट, मैं वेस्ट नहीं कर रहा हूँ सर टाइम, मैं हाथ जोड़ रहा हूँ। दिस केस बिफोर अनदर बेंच। नहीं सर, नाराज मत होइए सर, नाराज आपसे उंगली मत उठाइए सर, आपसे डायरेक्ट सवाल पूछ रहे हैं कि इतना बता दीजिए, देख ले सर, देख ले सर। नहीं तो आप एक तो आवाज मॉड्यूलेट करके बोलिए और प्लीज डोंट, अगर बहस करना, अगर बहस करना ये हाल है तो फिर कहीं और जाइए। चलिए किसी और को जाके सुनाइएगा। आप कुछ डायरेक्ट सवाल पूछ रहे हैं, आप सवाल का उत्तर नहीं देना चाहते। आपसे पूछा कि पदेन प्रबंध संचालक को अधिकार है, उतना बता दीजिए। मैं एक सेकंड में बता रहा हूँ सर, एक सेकंड में डायरेक्ट बताइए सर। आप चिल्लाइए नहीं सर, आप चिल्लाइए नहीं, आप डायरेक्ट, आई एम द रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर, आप चिल्लाइए नहीं। हाँ ठीक है, लिस्ट दिस केस बिफोर सम अदर बेंच। ये स्थिति है, ये दादागिरी है सर, ये दादागिरी है। आप भी यही काम किए हैं, ऐसा नहीं है कि मैं आपको नहीं जानता, आप मुझे नहीं जानते। ठीक है, कल लगाइए इसको सर, मुझे अर्जेंसी है। नहीं नहीं नहीं, मेरी रिक्वेस्ट है, मेरी रिक्वेस्ट है, और लिख के खारिज करिए, मेरी रिक्वेस्ट लिख के खारिज करिए आप। कमिश्नर इज नॉट आंसरिंग द क्वेरीज ऑफ दिस। नहीं, ये भी गलत है। अगर मैं आपको एक सेकंड में कुछ उसकी रिलेवेंसी बता रहा हूं तो वो आपको सुनना नहीं है, आप अपने हिसाब से कोर्ट चलाएंगे। आप पूछा कि आप उतना बता दीजिए, उसके बाद आपको सुनने से मना नहीं किया था। मैं सुनिए सर, ये मेरा व्यक्तिगत मुकदमा नहीं है सर, ये पक्षकार के लिए मैं लड़ रहा हूँ, पक्षकार को न्याय देने के लिए आप बैठे हुए हैं। आपसे पूछ तो रहा हूँ, बता दीजिए, उतना इशू है, पदेन प्रबंध संचालक को अधिकार नहीं है। वही कह रहा हूँ सर, मैं पैसा नहीं कह रहे हैं। तो एक सेकंड सुन ले आप, बता दीजिए। मैं अपने कृत्य के लिए क्षमा चाहता हूँ। मैं तो बताइए, फाइल दीजिए, डायरेक्ट बताइए, बस उतना सा बात बताइए। वही 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 बता रहा हूँ सर। आवाज मत उठाइएगा। नहीं सर, आवाज क्यों उठाऊंगा सर, मैं कोई आपसे बुराई है, मैं ओपन कोर्ट में बोल रहा हूँ सर, आपसे अच्छी कोर्ट कोई नहीं है सर। नहीं नहीं, हमें नहीं चाहिए कोई सर्टिफिकेट आपसे, आई डोंट नीड। नहीं मैं कोई बेईमानी नहीं कर रहा हूँ ना, मैं कभी इस तरह की फर्जी बात कर रहा हूँ। डायरेक्ट बताइए सर, पेज नंबर 44 देख लें सर। नंबर 44 जी सर, बस पेज नंबर 44, प्रबंध संचालक के अधिकार और कर्तव्य। सेवा में संघ द्वारा नियुक्त अधिकारियों कर्मचारियों के विरुद्ध जवाब फाइल करिए सर। सर सर, थोड़ा सा और देखेंगे सर, इसको सर उसमें क्या है, तीन कर्मचारियों को इनने वो कर दिया है सर, स्टेटस को कर तो दिया सर, बिनती नहीं हो पाएगा। सुनिए तो सर एक सेकंड, मैंने अभी एक एप्लीकेशन फाइल किया, उसको देख लें सर। दो कर्मचारी अभी एज इट इज हैं, तीन के लिए अभी इनने DFO ने ऑर्डर कर दिया सर, मैंने उसको चैलेंज किया। स्टेटस को कर तो दिया है भाई, इससे ज्यादा क्या होगा, अभी रिप्लाई आने दीजिए उनका। चलिए नेक्स्ट केस।